हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी घर हो, उस घर में जैसे ही किसी नववधू का प्रवेश होता है, उसे एक बच्चे की माँ बनने का आशीर्वाद मिलता ही है। कुछ समय पहले तक विवाह के बाद बच्चा कब होना चाहिए, इस संबंध में कोई ज्यादा सोचता नहीं था, लेकिन समय के बदलाव के साथ बदलते परिवेश में बच्चे के जन्म का डिसीजन सोच समझ कर लिया जाता है। लेकिन आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? आज बात इसीलिए हो रही है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी एक कमेंट कर दिया है और बता दिया है कि किसी लड़की को माँ कब तक बन जाना चाहिए, यानी किस उम्र में लड़की को माँ बन जाना चाहिए। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि महिलाओं को सही समय पर माँ बन जाना चाहिए, वरना उन्हें शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। सरकार के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कम उम्र में लड़कियों की शादी और कम उम्र में मातृत्व को रोकने के लिए प्रतिबंधित है। बेसी डांगर बयस तो माँ हब ना लगे तेतियाओ कॉम्प्लिकेशन है, कारण जने के सरुत जन्म दिवते कॉम्प्लिकेशन है, 28-30-35 बसर बच्चा जन्म दिले कॉम्प्लिकेशन है, गति के उपयुक्त समय 22-30 बसर भर आमी सन्तान जन्म दिब लगे, ना कमत ना डांगर, बहुते आक रखी थके, रखी थका तो दिगदार, तेतियाओ बडिये नामाने, कारण आमार शरीर तो भगवाने एई धरणे निर्माण करिसे जे 22-30 बसर भितरते आमी सन्तान जन्म दिब लागे। बता दें कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए पॉस्को एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। शर्मा ने कहा कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है, फिर चाहे वो नाबालिग का पति ही क्यों ना हो। ऐसे में अगले 5 साल से 6 महीने में हजारों लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। एक महिला की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और जो लोग नाबालिग लड़कियों से शादी करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, कई लोगों को उम्र कैद भी हो सकती है। लड़कियों के माँ बनने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को माँ बनने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में परेशानियां हो सकती हैं। माँ बनने की सही उम्र 22 साल से 30 साल के बीच है। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से ही बनाया है कि हर चीज समय से हो। सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है उन्हें जल्द कर लेनी चाहिए। बता दें कि असम कैबिनेट ने सोमवार को पॉस्को एक्ट लागू करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असम में मातृत्व और बाल मृत्यु दर ज्यादा है और इसी पर नियंत्रण के लिए सरकार कानून ला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औसत 31% शादियां प्रतिबंधित उम्र में ही हो रही हैं। खैर, हिमंता बिस्वा सरमा के इस कमेंट पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।